जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम। क्या लिखूं शब्दों में वो बात कहां। आप ही हमेशा कह दिया ना कि हर रिश्ते में खामोशी की भाषा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, क्या आज आप मेरे मन की बात पढ़ सकेंगी? जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या। खाली मैसेज चाहते हैं कि मैं आपके दिल की बात समझूं। समझ गई। ऑफिस में आपका मन नहीं लग रहा है ना? सुबह हो शाम, होगा इसका जाने क्या अंजाम। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है आपकी, लेकिन थोड़ा सा ही वक्त है, काम निपटा लीजिए फिर मिलेंगे। थोड़ा जिसे आप थोड़ा वक्त कह रही है ना मैडम, वो वक्त तो काटे नहीं कट रहा है। मैं आपसे अभी मिलने आ रहा हूं। अभी? अभी आएंगे तो काम का क्या होगा? काम? ये काम नहीं, दीवार है। इस दीवार को हटाने का एक ही तरीका है, सारी फाइल्स निपटा दीजिए। आज का, कल का और परसों का भी? फिर तो मुझे आपके पास रहने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही रोकेगा। नैतिक, दत्ता जी की आपसे कोई बात हुई? नहीं हुई। क्यों? बस ऐसे। अब आप मेरा बातों में वक्त मत जाया करिए, मेरा काम शुरू हो गया है।
और सब हंसी खुशी निपट गया वहां पे। हाँ अरे नाश्ता लेने में इतना समय क्यों लग रहा है, मैं देख के आती हूँ, बैठ। छोटी दुल्हन हंसी ठिठोले की बात तो अलग रही, पर रश्मि के ब्याह की बात क्यों नहीं चलाती तुम? अभी नहीं शंकरीताई, अभी तो वो छोटी है। माँ बाप को तो बच्चे हमेशा छोटे ही लगे हैं, पर दुनिया की नजर से देखो, रश्मि अक्सरा से 1-1.5 बरस ही तो छोटी है, और फिर आज के आज थोड़ी ब्याह हो जाएगा, रिश्ता तय होने में समय तो लगेगा ना, और फिर समय के साथ बिटिया की उम्र बढ़ती है घटती ना है, और एक बार उम्र हाथ से निकल जावे तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जावे। नहीं शंकरीताई, नंदिनी के ब्याह से पहले हम रश्मि के बारे में सोच नहीं सकते। जानू सब समझू छोटी दुल्हन, कि रश्मि के ब्याह की बात तो ना चलाती हो तो। अरे दद्दा जी के लिए, भाभी माँ के लिए जो स्नेह जो आदर थारे मन में है बरसों से देखा है मैंने, पर जरा सोचो अब नंदिनी का रिश्ता मिलना तो जरा मुश्किल है ना। नाना कोवेगा, पर अब भगवान जाने कब हो, तो क्या तब तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी? अब हमारी बात पे गौर करके देखो। ले शंकरी, गरम गरम कचौरी खा और गुलाब जामुन भी खा। ला जरा चुस्ती से दे। मैनेजर साहब, मैंने ये पेपर्स पे साइन कर दिया है, आप इसे बाहर नरेश को दे दीजिए। अरे वाह, ये सारा काम तने कर लियो है। जी दत्ता जी, प्रकाश एंड कंपनी के कागजात तैयार करने थे। जी वो मैंने तैयार भी करवा दिए और भिजवा भी दिए हैं। वाह, आज तो बड़ा मन से काम करे हैं, हैं? जो काम 3 दिन में करे था एक ही दिन में कर दियो। दत्ता जी आप ही तो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन मैंने काम खत्म करके अपने बोर होने का इंतजाम जरूर कर लिया है। समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं ऑफिस में क्या करूं। अगर थारा सारा काम खत्म हो गया है तो तू एक काम कर, तू घर में चला जा, थारी माँ खुश हो जाएगी। जी दत्ता जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं घर चले जाता हूं। लो, जो बात कहने आयो था वो तो भूल ही गयो। मुन्ना तने आज शाम ने दमन जाना पड़ेगा। हाँ, वहां कुछ नए लोगों से मिलनो है, हैं? अपने कुछ नए ग्राहक हैं, वहां लोग आने अपने बारे में बताना है। मैंने टिकट का बंदोबस्त भी कर दियो है थारे वास्ते, ये देख। टिकट मतलब आज ही जाना है दत्ता जी, मैं कैसे जाऊंगा? ना मुन्ना, जाना तो तने ही पड़ेगा, ये वही काम है जो तने शिमला में शुरू किया था। सारे कागजात अपने साथ बड़े ध्यान से ले जाना, ये रख। Oh no. लेकिन मैं अक्षय को छोड़ के नहीं जाना चाहता, अब करूं तो क्या करूं? माँ एक और शर्ट रख दो। हाँ भाभी दे, रख ही दीजिए। माँ और ये सॉक्स,
माँ, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, रख दिया सब सामान, ले ये भी रख दे। मुन्ना आ गया बेटा, देख तेरा सामान रख दिया है। क्या हुआ दादा? सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं बाम ले आती हूँ। अक्षरा मेरे कमरे से दवा का डब्बा भी ले आओ भौजी। मुन्ना ला मैं दवा दूं बेटा, बहुत दर्द है क्या? हाँ। अरे क्या हुआ मुन्ना को? देखिए ना भाभी माँ, सिर दर्द से तड़प रहा है मुन्ना। अरे इसे जाना भी तो है ना, हे भगवान अब क्या होगा? भाभी माँ मैं नहीं जा सकता, अब कहीं वहां जाकर या रास्ते में तबीयत और खराब हो गई तो? ना ना बेटा, मैं तेरे दादाजी से बात करती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएगा ये, नया शहर अकेली जान? ना बेटा ना। अब दादाजी से बात करिए ना। हाँ हाँ पहले बाम तो लगा दे। भाभी माँ दादाजी आ गए। हाँ हाँ मैं उनसे बात करती हूँ। थोड़ा अब सारा काम खुद संभालने लगे है, अच्छे से मन लगा के इब कुछ समझान की जरूरत न पड़ती। वाने आज तो वाने बहुत सारा काम खत्म कर दियो। अच्छा तो ये बात है, इसलिए ये हालत हो गई मुन्ना की। क्या हुआ? कितना सिर दर्द हो रहा है बेचारे का। सिर दर्द? ऑफिस में तो ठीक था। अरे कुछ ना हुआ है, मैं था देर तलकवा के साथ। अभी अभी तबीयत बिगड़ गई है उसकी, बेचारा दर्द से कराह रहा है। सुनिए जी मुझे लगता है इस हालत में उसे मत भेजिएगा, कहीं तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। मुन्ना है कटे, पता है आप होली पर नहीं थी ना, सबने आपको बहुत मिस किया। हाँ अच्छा माँ, अच्छा 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 ओ अच्छा माँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या है शौर्य, अभी अभी बड़ौड़ा से आए हैं, कितनी सारी बातें करनी थी उन्हें। हाँ लेकिन आपके पास मेरे लिए तो एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा कितना झूठ बोलते हैं आप। अच्छा बताइए आपकी मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। हा? बस अब तुम देखते जाओ वर्षा कि मैं क्या से क्या कर देता हूँ। क्या क्या प्लान हो गया? वो तो मैं आपको बाहर डिनर पे बताऊंगा, अभी आप फटाफट रेडी हो जाइए। आज से मेरा नया काम शुरू हो गया है ना। बाहर डिनर पर? आपको तो बताया ही नहीं। एक काम करती हूँ मैं माँ से पूछती हूँ। क्या वर्षा तू तो माँ से ऐसे पूछने जा रही हो जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, एक दो घंटे में वापस आ जाएंगे। तो ठीक है लेकिन उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ वर्षा हम लोग जाते जाते बता देंगे ना, कोई मना थोड़ी करेगा जाने से। देखो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम फटाफट रेडी हो जाओ। ओहो मैं कह रहा हूँ चलो भी मैं बात करता हूँ। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ। ये वर्षा ये नहीं, आज आप ये रेड वाली साड़ी पहनेंगी। रेड कलर आपके बहुत सूट करता है। और आप ये शर्ट पहनेंगे। चलो तैयार हो जाते हैं। है बेटा बस। क्या हुआ बेटा नैतिक? क्या बताऊं बाबूजी, ऑफिस से निकला था तो बिल्कुल ठीक था लेकिन घर पहुंचते पहुंचते सर में बहुत दर्द हो गया, ऐसा लग रहा कि दिमाग फट ही जाएगा। कोई दवा ना ली था ने? हाँ जी अभी दी है। दादाजी मुझे क्षमा कर दीजिए,
मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा। अगर कहीं फ्लाइट में तबीयत और खराब हो गई तो? जी, काम एक दिन के लिए टाला नहीं जा सकता क्या? ना, निकलना तो मुन्ना ने आज ही पड़ेगा। तो दादाजी मैं चला जाता हूँ। मुन्ना जाता तो अच्छा होता। ये वैसे ही काम है जो मुन्ना शिमला में करके आया था। बहुत बढ़िया अनुभव मिलता इसमें। लेकिन दादाजी, ना ठीक है, अब तू ना जा सके है तो कोई बात ना, राज बना चला जाएगा, क्या कर सके हैं। वैसे मने बहू के वास्ते भी दूसरा टिकट बनवायो था। सोचो था कि तुम दोनों जाओगे तो काम भी हो जाएगा और तुम दोनों घूम भी आओगे दमन। मैं तो ये भी सोच रहा था कि अपने इन हाथों से बहू के हाथों में रखूंगा टिकट और मुन्ना ही ना जा रहा है तो मैं वापस करना पड़ेगा जी टिकट। दादाजी रुकिए, दादाजी आप यूं मायूस ना हो, तो क्या हुआ अगर मुझे सर में दर्द है? हिम्मत बल। अरे अरे वो क्या है ना कि अब तबीयत की वजह से काम तो नहीं रोका जा सकता ना। और आप ही तो कहते हैं कि जो हिम्मत रखता है उसकी मदद तो ईश्वर भी करता है। हाँ, सबसे पहले काम, बाकी ना। मने तो ऐसा कभी ना कहो। तो हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले सेहत, बाकी सब बाद में। हाँ मुन्ना, रहने देना, कहीं तेरी तबीयत और खराब हो गई बेटा। अरे माँ, आपके हाथों में तो जादू है, आपने जैसे मेरा सर दबाया मेरा सारा दर्द दूर हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, इतनी जल्दी सही हो गया तू? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। हाँ अक्षरा, आराम तो होता रहेगा लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मतलब दादाजी ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें तो मैं हर हाल में निभाना चाहता हूँ। अजीब है लड़का, कुछ देर पहले जाना नहीं चाहता था, अब रुकना नहीं चाहता है। ना बेटा, काम को लेकर इतना परेशान मत हो, फिर बाबूजी चले जाएंगे ना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं? बाबूजी इस उम्र में इतने लंबे सफर पर जाएंगे ठीक नहीं है। मुन्ना, नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो अलग बात थी, पर नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरी तबीयत की चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं है, आप पैकिंग करिए ना। दादाजी आप मुझे अक्षरा की टिकट दे दीजिए, मैं अपने साथ रख लेता हूँ। लो, हो गई पैकिंग। अरे अभी तक तैयारी नहीं हुई। महाराज जी से कहकर थोड़ा नाश्ता बनवा देती हूँ। अरे माँ, हम दो दिन के लिए जा रहे हैं, अब ये नाश्ता वास्ता छोड़िए प्लीज, चलिए टाइम हो गया है। चलो चले। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।